श्रीमती सरोज पांडे जी, नहीं ना, सॉरी, सरोज पांडे जी एवं अपने भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष श्री मनोज तिवारी जी आपको संबोधित करेंगे। बगल में भाजपा महिला मोर्चा की अध्यक्षा, राष्ट्रीय अध्यक्षा विजया राहटकर जी हैं और दिल्ली प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की उपाध्यक्ष साजिया इल्मी जी हैं। मेरा सादर अनुरोध है सुश्री सरोज पांडे जी से कि आपको संबोधित करें। नमस्कार मित्रों, जिस विषय को लेकर आज हम आपके साथ रूबरू होने जा रहे हैं, ये विषय मानवीय दृष्टिकोण से भी और इसके साथ ही साथ भावनात्मक तौर पर भी लोगों के मन को छूता है। इस देश में एक ऐसा कांड हुआ, ऐसा जघन्य कांड हुआ जिससे पूरा देश हिल गया। निर्भया कांड, जिसे हम नाम से जानते हैं, और उनके परिजन सहित देश के सभी नागरिकों की यह मंशा थी कि जिन्होंने इस जघन्य कांड को किया है उन्हें सजा मिले। सजा की जो एक प्रक्रिया थी वो प्रक्रिया बड़ी होती है। उस पूरी प्रक्रिया में पूरा देश लगातार इंतजार करता रहा कि जो मुजरिम है, जो कातिल है, जिन्होंने उस बच्ची को जिस निर्ममता के साथ में मारा है, उन्हें सजा मिले। जब वो सजा के करीब पहुंचते हैं और उन्हें सजा होती है तो बहुत सारे कानूनी दांवपेच के साथ में लगातार उस सजा से बचने की कोशिश मुजरिमों के द्वारा की जाती रही है। लेकिन इन विषयों के साथ साथ एक बहुत दुखद पहलू है। आज आप सभी ने इस विषय को पढ़ा भी होगा कि इंदिरा जयसिंह, इन्होंने कहा और इन्होंने अपील की है उस बच्ची की मां से कि वो उन्हें माफ कर दें। ये पढ़ने के साथ मुझे लगता है कि वो एक महिला भी हैं, वो कानूनी दांवपेच समझती हैं, लेकिन कानूनी दांवपेच के साथ साथ उस महिला के मन का जो दर्द है वो उन्हें कहीं अंदर तक छूता नहीं है। राजनीति अगर इस स्तर पर आकर खड़ी होगी तो शायद जीवन का यह सबसे खराब क्षण और पहलू है। यह अपील करते समय मुझे लगता है कि उन्हें कहीं ना कहीं विचार करना चाहिए था कि वो बच्ची और उस बच्ची की मां, आप उससे इस प्रकार की अपील करती हैं। इंदिरा जयसिंह जी का जो इतिहास रहा है वो सभी को जगजाहिर है। आप पार्टी के साथ में उनका संबंध भी जगजाहिर है। जब बात खुलेगी तो बहुत लंबी जाएगी। इंदिरा जयसिंह जी को इस प्रकार की बात कहने के पहले एक नहीं हजार बार सोचना चाहिए था। हम इस विषय की निंदा करते हैं और मेरा मत है कि हम सब देश की हजारों महिलाएं जो बहुत आशा के साथ में न्याय की उम्मीद करती हैं और न्यायपालिका ने जब हमें न्याय के करीब पहुंचाया है इतने जद्दोजहद के बाद, तो एक महिला जिसने राजनीति की पराकाष्ठा पर अपनी भावनाएं व्यक्त की हैं, हम इस पराकाष्ठा की निंदा करते हुए मैं आमंत्रित करती हूं भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष माननीय मनोज जी को कि इन विषयों पर वो विस्तृत तौर पर प्रकाश डालें। दोस्तों, इस सारे प्रकरण में कुछ और तथ्य हैं जो प्रकाश में आने चाहिए। 2017 जुलाई में सजा होती है निर्भया के गुनहगारों को और 2017 से 2019 तक दिल्ली सरकार का जो पहला कर्तव्य होता है उन गुनहगारों को इन्फॉर्म करना कि आपको ये सजा हुई है।
दो साल तक दिल्ली सरकार ने यह सूचना ही नहीं दी गुनहगारों को। सरोज जी ने जितनी बातें बताई उससे तो कई कड़ियां खुल ही रही हैं, लेकिन जो सबसे दुखद पहलू आज सामने आया है कि दो साल तक आम आदमी पार्टी की सरकार ने जो प्रिजन डिपार्टमेंट के थ्रू गुनहगारों को सूचना देना था इस सजा की, वो क्यों नहीं दिया, इसके पीछे उनकी मनसा क्या थी? क्योंकि जब उसकी ऑफिशियल सूचना गुनहगारों को पहुंचती है तो फिर वो गुनहगार अपने माफी के लिए या जो भी कानूनी है वो अपनी पिटीशन लगाते हैं। तो आज एक बड़ा सवाल ये हुआ उठ रहा है कि आखिर दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार, उसने इस तरह से दो साल तक इस इंफॉर्मेशन को क्यों रोके रखा? और ऊपर से दिल्ली के उप मुख्यमंत्री आकर के पीसी करते हो, कहते हमारे पास पुलिस नहीं है इसलिए हम ऐसा नहीं कर सके, हमारे पास पुलिस नहीं है। हम आज आपको स्पष्ट करना चाहते हैं कि प्रिजन डिपार्टमेंट स्टेट गवर्नमेंट का है, दिल्ली में भी वो स्टेट गवर्नमेंट का है और उसका पुलिस से कुछ लेना देना नहीं है इस इंफॉर्मेशन का। इसलिए आज जब निर्भया का परिवार भी सन्न है, इस देश में तमाम वो लोग जो बेटियों की सुरक्षा को लेकर के चिंतित हैं आए दिन ऐसी घटनाएं होने के बाद हिल जाते हैं, अंतरात्मा कांप उठती है, वो सभी लोग एक सवाल पूछ रहे हैं कि एक तरफ तो आप किसी को बिठा करके नाटक करवाते हो और दूसरी तरफ आप दो दो साल तक एक सूचना सजा की देने के लिए रोक देते हो, इसके पीछे आम आदमी पार्टी की मनसा दिल्ली और देश के सामने स्पष्ट हो चुकी है और हम इसको कंडेम करते हैं। मैं समझता हूं कि पूरे देश के राजनीतिक इतिहास में किसी पार्टी के द्वारा ऐसे गुनहगारों को उनकी सजा को टलवाने का और फिर उनको बचाने का प्रयास और कहीं होने का एग्जाम्पल नहीं मिलता है। ये जानकारी आपसे शेयर करते हुए, जैसा हमारे सरोज जी ने इंदिरा जयसिंह के बारे में बताया, मैं समझता हूं पूरा देश स्तब्ध है। उसके बाद जो निर्भया के मां का जो स्टेटमेंट आया उसके अंदर के दर्द को हम समझ सकते हैं। जब ये 22 तारीख को फांसी होनी थी उसके पहले मैं उनके घर भी गया। इतने वर्षों से एक मां उन गुनहगारों को सजा होते देखने के लिए, जिसकी आंखें अंतरात्मा सब कुछ तड़प रही है, आप उससे इस समय जिस तरह की बातें कर रहे हैं, फिर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह उठाता है और इसको देश और दिल्ली को जानना बहुत आवश्यक है। यह हमारा उद्देश्य है। मेरा सादर अनुरोध है दिल्ली के उपाध्यक्ष साजिया इल्मी जी से कि आप भी विचार रखें। इंदिरा जयसिंह आम आदमी पार्टी के बहुत करीबी रही हैं, काउंसिल रही हैं, ये बाकायदा आम आदमी पार्टी की अरविंद केजरीवाल की। जब दिल्ली हाई कोर्ट ने बाकायदा कहा था कि एडमिनिस्ट्रेटिव हेड एलजी होगा, उस पूरे मामले को कोर्ट में रिप्रेजेंट किया है आम आदमी पार्टी के लिए इंदिरा जयसिंह ने। इंदिरा जयसिंह और उनके वकीलों ने बहुत सारे मामले आम आदमी पार्टी के लिए किए हैं, यहां तक कि जब उनके घर पर और आनंद ग्रोवर के घर पर जब रेड हुए थे, तो अरविंद केजरीवाल ने ऐसे ही प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सीबीआई को खरा खोटी सुनाई थी और कहा था ये विच हंट है। करीब 65 लाख से ज्यादा टैक्स पेयर का, दिल्ली टैक्स पेयर का पैसा
अरविंद केजरीवाल ने इंदिरा जयसिंह जी को दिया है। हम ये जानना चाहते हैं कि निर्भया को, निर्भया की मां को और दिल्ली की जनता को अरविंद केजरीवाल बताएं कि इस वकील को, जो इस वक्त दोषियों के साथ खड़ी है, हथियारों के बलात्कारियों के साथ खड़ी है वो वकील, उसको दिल्ली की जनता के पैसों से कितना फीस दी गई। हमारा दूसरा सवाल है कि DCW की जो हेड हैं दिल्ली की, उन्होंने पहले तो बड़े अनशन करे, अब वो इंदिरा जयसिंह के इस बयान पर अनशन क्यों नहीं कर रही हैं। हमारा तीसरा भी एक सवाल है जो खास तौर से केजरीवाल जी के लिए है, जो बार बार आप सब लोग से कहते हैं कि दिल्ली पुलिस उनके अधीन नहीं है। तिहार जेल प्रशासन और उसका ज्यूरिसडिक्शन पूरी तरह से अरविंद केजरीवाल के अधीन है, उनका ज्यूरिसडिक्शन है। इसीलिए 2 साल पहले अरविंद केजरीवाल ने जो जेल का मैनुअल है उसको बदला है। ये बात तब आई सुर्खियों में जब पता चला, क्योंकि LG से परमिशन तक नहीं ली उन्होंने और जेल मैनुअल बदल दिया। तो अगर आप जेल मैनुअल बदलने का आपका इख्तियार है, ये साफ दिखाता है और ये प्रमाण है कि आपके पास ज्यूरिसडिक्शन था। जो नोटिस आपको देना चाहिए था जुलाई में 2017 में, आपने अक्टूबर 2019 को दिया। ये नोटिस सिर्फ और सिर्फ दिल्ली सरकार के थ्रू ही जाया जा सकता था और ये अभियुक्तों को देना था, लेकिन इस तरह की क्रिमिनल लापरवाही बरती गई इस मामले में। और मैं जानना चाहूंगी अरविंद केजरीवाल से एक आखिरी सवाल, इंदिरा जयसिंह तो खड़ी हैं, उनकी अपनी लॉयर, उनकी खासम खास, जिसके बचाव में वो कई बार उतरे हैं, मैं अरविंद केजरीवाल से जानना चाहूंगी कि क्या उनके बयान को वो कंडेम करेंगे। मैं ये भी पूछना चाहेंगी कि दिल्ली की जनता से क्या वो माफी मांगेंगे और निर्भया की मां से, आशा देवी से, और बताएंगे कि कितना पैसा, हम सबका पैसा, हम सब दिल्ली के टैक्स पेयर्स हैं, उनका पैसा कितना दिया गया है उस लॉयर को जिसने इस वक्त दोषियों के लिए दया की गुहार लगाई है। धन्यवाद। इस संदर्भ में कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। बहुत सारी निर्भया मामले पर प्रश्न बीजेपी की तरफ से हुई और आम आदमी पार्टी पे सवाल उठाया जा रहा है कि दरअसल देरी जो हुई है उसका कारण आम आदमी पार्टी सरकार का रवैया है, तो क्या आप ये सीधे आरोप लगा रहे हैं कि आम आदमी पार्टी सरकार के हवाले नहीं चाहते थे कि जो निर्भया के दोषी हैं उनको जल्द से जल्द फांसी? अब तो ये स्पष्ट हो चुका है, क्योंकि अगर आप अपने पहले कर्तव्य का ही पालन नहीं करते हैं, गुनहगारों को सूचना देने का काम जो स्टेट गवर्नमेंट का है उसी को आपने 2 साल रोक दिया, तो अब यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी की सरकार जानबूझ करके इन गुनहगारों को फांसी होने में देर कराया और अब अपने वकील से उसको बचाने की कोशिश कर रहे हैं। ये राजनीति का सवाल ही नहीं है, ये सवाल है सरकार की कार्यविधि का। इसलिए इसको बताना बहुत आवश्यक है कि डिलिबरेटली अगर आप इस तरह से ऐसे बलात्कार के और ऐसे नृशंस घटना के, हत्या बलात्कार की घटना में भी अगर आप दोषियों को बचाने की कोशिश करते हैं, तो फिर भारत में बलात्कारियों को कड़ी सजा मिले, इस अभियान को आप निश्चित रूप से उसको ठोकर मार रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा हाँ, आनंद जी, नहीं इसी से जुड़ा सवाल, सवाल इस, नहीं नहीं दिल्ली से जुड़ा सवाल आज इसी पे बहुत गंभीर मामला है। सो नहीं नहीं आनंद जी, नहीं नहीं संभव है, केवल इस संदर्भ में कोई सवाल हो तो आप हम ले सकते हैं। इसको हम दिक्कत तो पहले भी नहीं थी, लेकिन दिक्कत खड़ी की जा रही है, और अगर दिक्कत लगातार खड़ी की जा रही है तो उसके पीछे जो लोग हैं उन्हीं विषयों को लेकर आज हम आपसे रूबरू हैं। सजा मिले देश का हर नागरिक चाहता है और हर नागरिक के ये मन की बात है, लेकिन सजा के बीच में जिस प्रकार के बार बार रोड़े अटकाए जा रहे हैं
और लोगों का समर्थन दिया जा रहा है, उसमें इंदिरा जयसिंह जी का विशेष तौर पर आज उल्लेख इसीलिए किया गया कि उन्होंने ये अपील जारी की है। हम सब कामना करते हैं कि उन्हें जल्द से जल्द सजा मिले। धन्यवाद। सभी स्वतंत्र हैं। धन्यवाद। थैंक यू सर। बहुत